हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दिस इज क्लास। आज हम यूकेजी क्लास की इंग्लिश पढ़ेंगे, तो हम कुछ वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिससे आपको इजीली इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग में आसानी हो सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अनस्क्रैम्बल द 80 वर्ड्स। यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो 80 फैमिली के हैं और वो वर्ड्स अनस्क्रैम्बल करके दिया हुआ है, आपको उसको सही करके लिखना है। अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट वन RTA, यहाँ पिक्चर से तो समझ में ही आ रहा होगा। यस इट इज रैट, RATT रैट। नेक्स्ट ATB बैट, इट इज BAT बैट। थर्ड वन TAC कैट, इट इज CAT कैट। तो हमने क्या क्या नए वर्ड सीखे, रैट bat, cat. Move to our next worksheet. Question is match with nouns. What are nouns? Naming words. तो यहाँ पे आपको naming words से match करना है। यहाँ पे देखो एक तरफ कुछ pictures है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है animal, person, thing, place. तो noun क्या होता है? Is the name of person, place, animal, thing. First one is the picture of a boy. Boy is a person. So I match it with person. Second is horse. Horse is animal. So I match it with animal. Third one is the picture of a church. Church is place. So I match it with place. Jagah ka naam hai na, church koi jagah hai. फोर्थ वन चीज, चीज इज वॉट, ये खाने की चीज है तो खाने की चीज किस में आती है, थिंग। सो आई मैच चीज विद थिंग। सो अंडरस्टैंड व्हाट आर नाउंस, इट इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट वर्कशीट। क्वेश्चन इज राइट ए और एन बिफोर द वर्ड्स। ए और एन हम कहाँ लगाते हैं? ए लगाते हैं हम कॉन्सोनेंट के पहले और एन लगाते हैं हम वावल्स के पहले। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट वन डैश हैट, हैच, हैच क्या है? कॉन्सोनेंट। सो आंसर विल बी अ हैट। कॉन्सोनेंट के आगे हम ए लगाते हैं। Second dash apple, apple a vowel, so an apple. Third one dash umbrella, u, so an umbrella, u is vowel. Next fourth one dash box, b consonant, so answer will be a box. Fifth one dash dog, it is consonant D, so a dog. Sixth one dash ant, A is vowel, so an ant. Seventh one dash ink pot, I is vowel, so an ink pot. Eighth one dash key, K is consonant, so a key. अंडरस्टैंड? तो ये तो था हमारा आज का वर्कशीट। होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे और वर्कशीट के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और रोज हमारे शॉर्ट्स को भी चेक करें जिससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे।